हाँ बच्चों, कैसे हो? देखो, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, विलयन, इससे संबंधी जो लेसन था वो पूरा कर लिया है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया है। और कई बच्चे जो आज ही आए हैं, पीछे जाके वीडियो में वो देख सकते हैं, ये लेसन मैंने पढ़ा दिया है। अब आज उसके मैं क्वेश्चन आंसर में यहाँ लेके आया हूँ, और 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी करवा दूंगा, और 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे काबिल इंडिया ऐप पे टेस्ट के रूप में। आप टेस्ट के रूप में उसमें दे सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत आती है कि वहां से कैसे उसको देखेंगे, तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर भी करें और बच्चों को भी, है ना। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, बर्फ का गलनांक अर्थात बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये बताओ आप। देखिए बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ए, क्या 0 डिग्री होता है? बी, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या है 32 डिग्री फारेनहाइट, ये फारेनहाइट में है, क्या ये होता है या ये होता है, और ये है 273 केल्विन या फिर ये होता है। गौर करो, सोचो, ध्यान दो। देखो ये तीनों ही क्या है, इसके एक ही बात है तीनों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, 32 डिग्री फारेनहाइट का हो, या 273.15 होता है, लेकिन 273 होता है लगभग, तो 273 केल्विन का हो, एक ही बात है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंचर आयोडीन किसका विलयन है? जैसे मान लो पानी और नमक का जो घोल होता है ना, उसके लिए पूछा जाए कि ये किसका विलयन है, बोले पानी का और नमक का, ऐसे ही आपको बताना है कि टिंचर आयोडीन किसका है। मैंने पीछे बताया भी था, पढ़ाया था, याद करो किसका है। इसमें क्या होता है, एल्कोहल में आयोडीन घोला जाता है, तो ये इसका क्या हुआ, इसका विलयन हुआ, ये इसका सॉल्यूशन है ना। और ये क्या चीज होती है, बताया था मैंने, जहां कहीं चोट लग जाए तो वहां टिंचर आयोडीन लगाया जाता है, ताकि वहां मवाद ना पड़े। तो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक बताओ। अब एसआई पद्धति आप सब जानते हो, है ना, उसमें यूनिट मात्रक पूछा है, यूनिट पूछी इसकी। तो एसआई पद्धति अर्थात ये इंटरनेशनल पद्धति है, जो पूरी दुनिया में सब जगह उसी मात्रक से उसको जाना जाए, उसका मात्रक वही, पूरी दुनिया वही मानती है ना। तो वो कौन सा है, किसका, तापमान का। तो कहीं पे डिग्री सेंटीग्रेड मापते हैं, कहीं पे फारेनहाइट में मापते हैं, कहीं पे क्या मापते हैं, तो इसका ऐसा ही मात्रक है केल्विन के। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही मात्रक ये हुआ। वैसे आप जानते हो बुखार जो मापते हैं वो फारेनहाइट में मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन इसका जो है ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या है, केल्विन है के। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के नए मटके में पानी अधिक ठंडा क्यों रहता है? जैसे मिट्टी का नया मटका लेके आते हैं, मटका है नया नया लाया है, तो उसमें पानी अधिक ठंडा कैसे रहता है? यहाँ देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, और आप जब मटका कोई लेके आए घर में, मटका आए, तो उस पर ध्यान देना, गौर करना कि ये इसमें ऐसा क्या है कि पानी बहुत ठंडा रहता है, इसमें क्या रीजन है, गौर करना। तो देखो, जब कुम्हार है ना मटके बनाता है, तो उसमें कुछ ऐसा वो डालता है जिसमें चारा सा रहता है थोड़ा, वो मिलावट कर देता है, और फिर जब उसको पकाता है तो उसमें छिद्र रह जाते हैं। तो कुमार जब इसको पकाते हैं ना, तो उसमें छिद्र रह जाते हैं, तो इस गड्ढे में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत बारीक छिद्र होते हैं इसमें। ठीक है, तो जब इसमें पानी डालते हैं, तो इन छोटे छोटे छिद्रों से पानी बाहर निकलता है, रिसता है, और ये पानी जब रिसता है तो गड्ढा गीला हो जाता है, और ये जब गड्ढा गीला है तो यहां से फिर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, अर्थात वाष्पीकरण होके उड़ता रहता है। तो जब वाष्पीकृत होके पानी उड़ेगा, तो यहाँ आसपास की ऊष्मा ऊर्जा लेके उड़ेगा, तो घड़े के आसपास की ऊर्जा लेकर जाएगा, तो घड़े के अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, अर्थात अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। ऐसा नए नए घड़े में होता है कि उसमें छिद्र रहते हैं, पानी रिसता है, पानी उड़ता है, और अंदर पानी को क्या कर जाता है, ठंडा कर जाता है, उसकी ऊर्जा को ले चला जाता है। फिर जब घड़ा धीरे धीरे पुराना हो जाता है, तब फिर इतना ठंडा नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वो जो बारीक छिद्र है ना, वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, जब वो बंद हो जाते हैं, तो फिर वाष्पीकरण की जो दर है वो कम हो जाती है, पानी रिस कर बाहर ऐसे जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होता है, फिर वो पानी ठंडा नहीं होता है, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट देखो, दाब का ऐसा ही मात्रक, जैसे अभी तापमान का ऐसा ही मात्रक बताया ना, ऐसे दाब का क्या है, चलो गैस करो फटाफट। देखो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या पास्कल है या न्यूटन है, बताओ इनमें से कौन सा है, ये है, याद कर लो। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, दाब का, प्रेशर का।
जैसे बल का न्यूटन होता है ना वैसे दाब का है पास्कल, याद रखो। नेक्स्ट सीएनजी का पूरा नाम बताओ, सीएनजी इसका पूरा नाम बताओ, ये एक गैस है, प्राकृतिक गैस है ना, और आजकल तो व्हीकल के अंदर भी डल रही है, कारें भी आ रही है ना, कारों में कारें भी चलती है, बसें चलती है, सब सीएनजी से चल रही है, क्योंकि ये क्या होती है, ये वायु प्रदूषण बहुत कम करती है, यानी कि लगभग नहीं करती है, और गैसे पेट्रोल सब वायु प्रदूषण करते हैं, नहीं करती है, तो अच्छा ईंधन है ना। तो इसका पूरा नाम बताना है आपको, क्या है, क्या संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, या कार्बन नाइट्रोजन गैस है, या कॉल नेचुरल गैस है, कॉल यानी कोयले से बना नेचुरल गैस, या इनमें से कोई नहीं, बताओ, ध्यान दो। सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ना। और ये ऑप्शन आपको ऐसे थोड़ा सा नहीं नजर आए तो कई एग्जाम में दोनों देते हैं, इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश वाले में जाके देखना, यहाँ वहां मिल जाएगा आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसका पूरा नाम हुआ सीएनजी। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण अर्थात सबलिमेशन का उदाहरण नहीं है। देखो ये विशेष ध्यान देने की बात है, कहीं ऐसा नहीं होगी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण और आपने यहां ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। अगर नहीं शब्द उठाते ही आप मान लो कपूर पड़ा हुआ है, टिक कर दोगे तुरंत कि ए आंसर है, यहां ध्यान दो, ये कह रहा है नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए उदाहरण है ऐसा न पूछ कर क्या पूछता है कि कौन सा उदाहरण नहीं है। तो नहीं होने में थोड़ा सा गौर करो, कपूर होता है, क्या मोम होता है, इस पर अभी रुको, अभी बताता हूं, नौसादर होता है, आपने पढ़ा होगा, आयोडीन होता है, गौर करो मोम नहीं होता है, क्यों, कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सबलिमेशन क्या होता है, सबलिमेशन में देखो ठोस पदार्थ को गर्म करो तो वह द्रव में बदले बिना सीधे गैस में चला जाता है, गैस में बदल जाता है, तो ऐसा कहां होता है, ऐसा इन तीनों में तो होता है लेकिन मोम में नहीं होता है, मोम यानी कि मोमबत्ती वाला मोम है ना, मोमबत्ती मोम से ही बनती है, तो मोमबत्ती को पिघलते हुए देखा, जब मोमबत्ती को गर्म किया जाता है, उसके मोम को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्ट गैस में नहीं बदलता, पहले वो पिघलता है अर्थात द्रव रूप में आता है, फिर और गर्म करते हैं तब वो भाप बनके उड़ता है, वाष्प बनके उड़ता है, तो ऐसा मोम में नहीं होता है, इसलिए इसका उदाहरण नहीं है, कौन है, मोम, बाकी तो सब इसके उदाहरण है, सबको, कपूर को, नौसादर को और आयोडीन को, इनको क्या करो, गर्म करो, सीधे कहां चले जाएंगे, गैस में, द्रव बनेंगे ही नहीं, इसलिए यहां ये इसका जवाब है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, कोई गंध जैसे कि अगरबत्ती की, तो ये कोई गंध है, सुगंध है, या जो भी है दुर्गंध भी है, कुछ भी हो, ये दूर तक क्यों चली जाती है, दूर तक कैसे फैलती है, उसका क्या रीजन है, क्या परावर्तन से फैलती है, क्या विसरण से फैलती है, या फिर अधिक दाब से फैलती है, यहां गौर करो ये विसरण से फैलती है। अब विसरण क्या चीज होती है, देखो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वस्तुएं चीजें पदार्थ उसके अणु गति करते हैं, ज्यादा से कम की ओर, तो जैसे अगरबत्ती को जलाया तो यहां जो धुआं हुआ है ना, इसके जो गैसीय जो कण है वो क्या, यहां पे सांद्रता ज्यादा हो गई, यहां अगरबत्ती जला दी तो यहां से चल के जहां नहीं है वहां चले जाएंगे गति करते हुए, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, विसरण, डिफ्यूजन, तो ये इसका आंसर है। परासरण में तो क्या होता है, किसी झिल्ली से पार होके जाना पड़ता है पदार्थ को, तो वो यहां नहीं है, तो विसरण, इसका आंसर क्या आएगा, विसरण, अधिक दाब से भी नहीं, इसके ऊपर दाब कहां लगेगा, दाब तो इस कॉर्नर में भी, मान लो यहां अगरबत्ती जल रही तो यहां भी वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां पे भी वही है, तो अधिक दाब भी इसका जवाब नहीं है, परासरण इसका जवाब नहीं है, विसरण है इसका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक संपीड़न किस में होता है, अर्थात कंप्रेस्ड किसको किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कंप्रेसिड दबाया किसको जा सकता है, गैसों, गैसों में होता है ये, क्योंकि मैंने बताया था, ध्यान दिया हो तो पीछे पढ़ाया था कि गैसों में अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इनको आराम से कंप्रेसित किया जा सकता है, इनको दबाया जा सकता है पिस्टन से, दबा के इनको भरा जा सकता है ना, दबा के भरा जा सकता है, ये वो वाली बात है, जैसे एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको, मान लो बस के अंदर सवारियां चढ़ रही है, फिर अगर बस पहले से ही भरी हुई है तो और सवारियां आने की संभावना कम हो जाती है, या फिर उनको और आगे नहीं खिसकाया जा सकता, और यदि बस में बहुत दूर 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 खड़े हैं है ना, तो उनको और आगे किसको देखा होगा आपने, और उनमें और सवारियां लेते जाते हैं, उनको बिल्कुल पास पास कर दिया जाता है, तो ऐसा कब संभव है, जब वो दूर 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 बैठे हो या खड़े हो, दूर दूर बैठे हो खड़े हो, पहले से ही
बहुत ज्यादा खड़े हैं या बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, तो उनमें और ज्यादा आने की संभावना या फिर उनको और आगे खिसकाने की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसा ही यहाँ पे गैसों में है। गैसों के अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, दूर दूर, तो इनको पास पास लाया जा सकता है आराम से, ज्यादा लाया जा सकता है, इनको ज्यादा दबाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसलिए इसका जवाब है गैसों में। नेक्स्ट देखो, चीनी और जल का विलयन, इसके लिए कौन सा है सत्य है? चीनी और जल का विलयन बना हुआ है, यानी कि जल में चीनी घोल दी, ये विलयन बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, इसके लिए क्या असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? क्या ये जो पानी में चीनी घोल दी, क्या ये समांगी मिश्रण है? बिल्कुल है, क्योंकि जब चीनी को अच्छी तरह से पानी में घोल दिया है तो वो समान रूप से, अर्थात चीनी की मिठास सब जगह बराबर है, समान रूप से है, इसलिए समांगी मिश्रण है। क्या क्या इसके अंदर चीनी एक विलायक है, सॉल्वेंट है? चीनी विलायक मतलब घोलने वाला, क्या इसमें सॉल्वेंट है? ये नहीं, ये नहीं है, चीनी घोलने वाला नहीं है। तो कौन घोलने वाला है? पानी, जल। जल घोलने वाला है चीनी को, चीनी तो घोलने वाली है, इसलिए वो क्या हुई? सोल्यूबल हुई। तो यहाँ पे सोल्यूट लिख रखा है, तो यहाँ पे सोल्यूबल है, ये भी मिसप्रिंट है। तो देखो, जल इसके अंदर विलायक है, तो ये कह रहा है असत्य कौन सा है? तो देखो, जल विलायक है, सही बात है। क्या ये समांगी मिश्रण है? बिल्कुल सही बात है। क्या चीनी इसमें एक विलेय है, घुलने वाला है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या गलत बात है फिर इसमें? कौन सा असत्य है? ये वाला बी असत्य है कि चीनी एक विलायक है। चीनी विलायक नहीं है, विलेय है चीनी, ठीक है, विलायक तो जल है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। देखो, यदि आयतन निश्चित हो तो कौन सा कथन सत्य है? यहां पर ध्यान देना, अच्छी तरह से ध्यान देना होता है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। वहां ध्यान दिया तो क्वेश्चन सही होगा, वहां जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, सत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, जैसे मैंने पीछे बताया था अभी कि कौन सा उदाहरण नहीं है, वहां गौर करना है कि नहीं है पूछ रहा है या है। तो इस प्रकार से अब इसमें देखो, आयतन निश्चित होता है तो फिर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात तो घनत्व देख लो, घनत्व क्या होता है मैंने पहले भी बता दिया। एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान आ रहा है वो उसका घनत्व, एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान आता है ज्यादा, उतना घनत्व ज्यादा। इसको ऐसे समझो, घनत्व अर्थात डेंसिटी जो होती है ना, वो आयतन में क्या कर दो, आयतन का भाग दे दो द्रव्यमान में, ठीक है ना, मास के अंदर आयतन का भाग, वॉल्यूम का भाग दे दो, ये इसका सूत्र होता है। तो ये ऐसे कह रहा है कि आयतन तो निश्चित कर दिया किसी पदार्थ का, जैसे दो चीजें डाल दी, जैसे यहां देखो एक लीटर और ये भी एक लीटर, एक लीटर का बर्तन है अर्थात आयतन समान है। अब इसमें इसमें पानी डाल दिया मान लो, इसमें पारा डाल दिया, तो आयतन तो दोनों का समान है, वॉल्यूम समान है, इसका भी वॉल्यूम V, इसका भी वॉल्यूम V, तो आयतन समान कर दिया तो कौन सा सत्य है इनमें से? तो देखो, आयतन जब समान है तो फिर जो घनत्व है ना, क्या द्रव्यमान का उल्टा है या द्रव्यमान के समानुपाती होता है? समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल क्या होता है कि घनत्व द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, ये वाली बात। तो क्या ये ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, तो यही इसमें सत्य है। घनत्व और द्रव्यमान बराबर होता है क्या? नहीं, अगर आयतन बराबर है तो पदार्थ ये बराबर नहीं होता है, और ये इसका उल्टा, उल्टा मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, ये ऐसे कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, ये ऐसे कहोगे जिसका घनत्व ज्यादा तो उसका द्रव्यमान ज्यादा। अब इसका एग्जाम्पल यहां देखो ध्यान से, वॉल्यूम वही एक लीटर, यहां पे भी एक लीटर, आयतन तो समान हो गया, इसमें डालो पानी, इसमें डालो पारा, तो इसमें मान लो पानी डाला कितना, एक लीटर, इसमें पारा डाला, पारा मरकरी, पहले ही बताया मैंने हाइड्रोजन HG मरकरी, तो इसमें पानी डाला, इसमें पारा डाला, दोनों का आयतन का कितना समान, स्थिर एक ही है, एक लीटर मतलब आयतन हो, तो फिर इनका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान तो लगभग 1 kg, 997 ग्राम, लगभग 1 kg, इसका द्रव्यमान 13.6 kg, देखो ध्यान से, तो आयतन बराबर लेकिन द्रव्यमान में बहुत अंतर, ये इसका द्रव्यमान और ये इसका द्रव्यमान। तो यहां देखो ध्यान से, तो घनत्व किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर, द्रव्यमान ज्यादा तो घनत्व ज्यादा, तो देखो यहां द्रव्यमान पारे का ज्यादा है तो इसका घनत्व ज्यादा है, सिंपल सी बात है। इसका द्रव्यमान कम है तो फिर इसका घनत्व कम है, पारे की तुलना में जल का घनत्व बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये था कि यदि आयतन निश्चित हो तो फिर कौन सा कथन सत्य है? बी वाला सत्य है, जब आयतन बराबर है तो फिर द्रव्यमान जिसका ज्यादा, घनत्व उसका ज्यादा,
अर्थात द्रव्यमान बढ़ाओ घनत्व बढ़ाओ, द्रव्यमान घटाओ घनत्व बढ़ाओ, सिंपल। नेक्स्ट इसको मिटा देता हूं मैं। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन, सही कौन सा है इनमें से, ये जो कथन लिखा हुआ है सही कौन सा है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, घनत्व जो होता है, अभी मैं जो समझा रहा था घनत्व यानी डेंसिटी, तो ये जो घनत्व है क्या ठोसों का ज्यादा होता है और द्रव का कम, हाँ, और गैस का और भी कम, सही बात है ना। देखो लोहे की छड़ को उठाओ एक तो, ठीक है, और एक लोहे का पाइप उठाओ और एक उसमें पानी भरा हुआ है उस पाइप में, वो उठाओ, उसमें कम वजन होगा, लोहे वाले में ज्यादा वजन होगा। तो ठोसों का घनत्व ज्यादा होता है, द्रव का कम होता है और गैस का तो और भी कम होता है, इसलिए ये बात सत्य है, ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन चेक करो, विसरण, विसरण मैंने बताया था कि पदार्थ के जो अणु है, पदार्थ के जो कण है, यहां से चलकर गति करते हुए दूसरे कॉर्नर में जाते हैं, तो क्या ऐसा ये विसरण की जो क्षमता है क्या गैसों में सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, अर्थात गैसीय कण ही गति करके ज्यादा चलते हैं, द्रव के कण कम चलते हैं और ठोस के कण तो बिल्कुल नहीं चलते। देख ही रहे होंगे आप, ऐसा नहीं कि आपके पास 1 किलो का कोई बर्तन था और उसके अणु चल कर कहीं चले गए पड़ोसी के वहां पे और आपका बर्तन अब 1 किलो का नहीं रहा, ठोस बर्तन जो है, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन आपके पास जल है, 1 लीटर जल रख लो या 1 लीटर पेट्रोल रख लो, तो क्या वो 1 लीटर ही रहेगा, क्या वो उतना ही रहेगा, नहीं, उसके अणु चले जाएंगे यहां से निकलकर। जल है तो जल भी निकलकर चला जाएगा, पेट्रोल है तो पेट्रोल भी निकल निकलकर चला जाएगा, अर्थात ये जो अणु चलकर चले जाते हैं निकलकर चले जाते हैं, ये विसरण। तो क्या द्रव में है ना ज्यादा, लेकिन उससे भी ज्यादा किसमें है, गैसों में है ना। गैसों को जैसे सिलेंडर को खोल दो, ढक्कन खोल दो, सारी गैस निकल के गायब है ना, तो गैस से ज्यादा विसरित होती है, द्रव उससे कम होता है, ठोस उससे भी कम यानी कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये विसरण की क्षमता ऐसी है, बिल्कुल सही बात है ना। ग्रेटर देन ये चिन्ह लग रहा है, तो गैस की ज्यादा और द्रव की, ठोस से ज्यादा द्रव की विसरण क्षमता और द्रव से भी ज्यादा गैस की, यानी कि गैस की सर्वाधिक, सही है कथन। अगला कथन अंतराणविक आकर्षण बल, ठोसों में, द्रव में और गैसों में जो अणु है ना, उनमें आपस में अंतराणविक जो आकर्षण बल है, उनमें जो आपस में बांध कर रखने की जो क्षमता है, वो आकर्षण बल है, वो किसमें ज्यादा या इनसे उल्टा है, ये जो आकर्षण बल है वो ठोसों में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उसे कम होता है और गैस में उसे कम। ये आकर्षण बल कम है तभी तो गैसें निकलकर चली जाती है और द्रव भी चले जाते हैं, ठोस नहीं जाते हैं क्योंकि उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा है और वो बांध के रखते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो फिर कथन सही पूछ रहा है, सही कौन सा है, अगला उपयुक्त सभी, अर्थात ये तीनों ही सत्य कथन है, सही बात है। ओके नेक्स्ट, तो देखो क्वेश्चन एक है, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बता रहा हूं, तो क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट कैसे भी घुमाया जाए आप उसको समझ सकते हो, आंसर दे सकते हो। एक क्वेश्चन को समझने में मैं बहुत कुछ आपको बता रहा हूं है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को और भी कई तरीके से घुमा फिरा के दें, लेकिन आपकी समझ में आ गया तो आप आंसर आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट देखो, टिंचर ऑफ आयोडीन या टिंचर आयोडीन कह दो है ना, इसके अंदर कौन एक विलायक है, वही बात, सॉल्वेंट, मैंने बताया था पीछे भी, विलायक सॉल्वेंट यानी कि घोलने वाला, जैसे नमक को घोलने वाला जल है, तो जल अगर जल में नमक घुला हुआ है तो जल क्या है, घोलने वाला सॉल्वेंट। ऐसे यहां बताओ टिंचर आयोडीन के अंदर कौन घोल रहा है, मैंने पीछे बताया अभी टिंचर आयोडीन में क्या होता है, एल्कोहल के अंदर आयोडीन घोली जाती है, आयोडीन घोली जाती है, घोल कौन रहा है अर्थात किसमें घुल रहा है, आयोडीन किसमें घुल रही है, एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल होता है और सीधे सीधे उसको एल्कोहल भी कह सकते हैं, एल्कोहल वही वाइन, तो उस वाइन में एल्कोहल अर्थात एल्कोहल में टिंचर आयोडीन घुलती है, इसलिए एल्कोहल क्या हुआ, विलायक हुआ, घोलने वाला हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो ये है इसमें विलायक कौन, तो फिर आयोडीन कौन, ये तो विलेय है, सोल्यूबल है, जल नहीं, जल में नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, पानी से पूरी भरी कांच की बोतल, यानी कि देखो आप ऐसा प्लास्टिक की बोतल के साथ भी होता है, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप अगर इसको देखना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो क्या करना है, कांच की बोतल लेना और उसमें पानी भर दो पूरा,
पूरी बोतल को पानी से पूरी भर दो, ढक्कन बंद करके फ्रीजर में रख दो जमने के लिए, उसको फ्रीज में जमाने के लिए रख दिया अगर, तो वो फट जाती है, आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, या फिर प्लास्टिक वाली में भर के रख दिया तो वो मान लो प्लास्टिक तो थोड़ा सा वो होता है तो वो भी फट जाती है या फटने की कोशिश करती है या पीछे से या फिर फूल जाएगी, ऐसा क्यों होता है? तो सीधा सीधा तो आप तो कांच की बोतल रख के देख लो ना, वो फट ही जाएगी, बिल्कुल फट जाएगी। ऐसा क्यों हुआ भाई? बोतल के अंदर पानी था, पूरी भरी थी बोतल, अब बर्फ ही तो बनी है, पानी ठोस में बदल गया लेकिन फट क्यों गई? यह देखो बहुत अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है। अक्सर होता क्या है, द्रव जो पदार्थ है ना, द्रव रूप है पदार्थों का जो द्रव रूप है वो ठोसों के बजाय क्या होता है, अर्थात द्रव जब ठोस बनते हैं तो उल्टे सिकुड़ते हैं, लेकिन जल के साथ उल्टा है, जब जल ठोस बनता है ना तो फैलता है, अर्थात जब जल जमता है, फ्रीज होता है, बर्फ बनता है, वो फैलता है, ज्यादा जगह लेता है वो, है ना, आराम आराम से उसके अणु ऐसे सेट होते हैं, अर्थात उसका आयतन बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाता है। देखो समझने वाली बात है, जब उसी चीज का आयतन बढ़ गया तो घनत्व कम हो गया, बर्फ का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से, इसलिए बर्फ पानी पर क्या होती है, पानी में तैरती है, डूबती नहीं है, अर्थात उसका आयतन बढ़ता है। जिस बोतल में पानी लिया है उसको जमने के लिए रख दिया था, वो फैलेगी अंदर, बर्फ ढक्कन तो बर्फ बंद कर दिया, जल बाहर जा नहीं सकता, बंद कर दिया आपने, बंद कर दिया तो अब वो जल अर्थात बर्फ जब बनेगा तो फैलेगा, फैलेगा तो कांच की बोतल है तो तोड़ देगा उसको, फट जाएगी बोतल, प्लास्टिक की है तो फूल जाएगी, मतलब एक तरह से वो भी फट जाती है, फट भी जाती है। सर्दियों में पाइप जिनमें पानी भरा रहता है ना, जो खेतों में पाइप होते हैं या जो भी है, जहां भी प्लास्टिक के पाइप है, तो वो अगर कमजोर है तो वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, जब बर्फ जम जाएगी तो क्या जाएंगे, जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे बर्फ जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी तो पाइप फट जाता है। तो इसका रीजन क्या है, बताया मैंने कि आयतन बढ़ जाता है अर्थात उसका घनत्व बढ़ता है, वो फैलता है इसलिए फट जाता है। तो क्या घनत्व बढ़ता है? नहीं, उल्टा घनत्व तो घटता है। आयतन में वृद्धि, हाँ आयतन में वृद्धि होती है अर्थात वो द्रव अर्थात वो जल फैलता है जब बर्फ बनता है। द्रव्यमान में वृद्धि, नहीं द्रव्यमान तो वही रहता है, एक लीटर यानी कि एक किलो पानी डाल दिए किसी बर्तन में तो वो एक किलो ही रहेगा, बर्फ भी वो एक किलो ही बनेगी, लेकिन आयतन बढ़ जाता है वो फैलता है मतलब इसलिए फट जाती है। नेक्स्ट देखो अगला है, एक बीकर में बर्फ तैर रही है, जब ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो बीकर में जो पानी का स्तर क्या होगा? देखो यहाँ चित्र में देखो ध्यान से, मान लो इस बीकर में यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है और यहां पे एक बर्फ का टुकड़ा या बर्फ पड़ी हुई है ऐसे, तो देखो ध्यान से बर्फ इसमें पड़ी हुई है तो बर्फ पानी से क्या हो रही है, ऊपर तक जा रही है। आपको बताया ना पहली बात, तो बर्फ तैरती है पानी में, डूबती नहीं है, और तैर रही है तो फिर देखो पानी के तल से भी ऊपर तक दिख रही है बर्फ, जैसे यहां पानी का तल है तो बर्फ ऐसे ऊपर दिखती है, मतलब तैरती हुई दिखती है कि हाँ ये बर्फ तैर रही है। तो देखो पानी के तल से ऊपर वाले हिस्से में यहां भी बर्फ है, नीचे भी है लेकिन यहां बर्फ दिख रही है। तो क्वेश्चन है कि जब ये बर्फ पूरी पिघल जाएगी, पिघल कर पानी में जब चली जाएगी, तो ये देखो पानी का तल अभी इतना है, पानी पर ये जो पानी का स्तर है ना वो यहां तक है, तो ये जब पिघल जाएगी इसमें तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा या घट जाएगा या फिर वही रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां समझो ध्यान से, बर्फ का टुकड़ा ऊपर तक दिख रहा है तो ये पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गौर करो, क्या ये स्तर यहां ये जो जगह था ये निशान था क्या घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा या फिर वही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही आ चुका है, कॉम्पिटिशन वाले बच्चे ध्यान दें, कई बार पूछा जाता है, इसमें जवाब है वही रहेगा स्तर। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, माना कि जल के स्तर से ऊपर बर्फ थोड़ी जा रही है, लेकिन याद रखना बर्फ जब भी पानी पे तैरती है तो उसका जैसे मान लो 10 फीट मोटी शिल्ली है, 10 फीट की शिल्ली है, 9 फीट पानी में डूबी रहेगी, 1 फीट बाहर रहती है, 9 फीट पानी में रहती है, 9 फीट अंदर, अर्थात 10 फीट मोटाई वाली है तो 1 फीट बाहर दिखेगी और 9 फीट अंदर रहेगी।
तो ध्यान से देखो, यहां जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये पिघल कर पानी में मिलेगा तो ऐसे लग रहा है कि पानी का तल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां भी तो ध्यान दो, ये जो अंदर है ना, इसका नौ हिस्से अंदर है, ये जब पिघलेंगे तो ये इनका आयतन घटेगा, क्योंकि मैंने कहा था ये फैलती है, फैली हुई रहती है, जब पिघल जाएगी तो ये सिकुड़ जाएगी। तो इसकी वजह से जल का स्तर घटना चाहता है, इसकी वजह से बढ़ना चाहता है, तो दोनों बातें साम्यावस्था में होती है, न बढ़ता है न घटता है, अर्थात वही रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, और समझने की बात है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, और इसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एक पॉन्ड में या फिर एक स्विमिंग पूल में बर्फ है, डूबी हुई है, तो बाहर अगर मान लो 1 फीट नजर आ रही है बाहर पानी में, तो बताओ अंदर कितनी है, तो बता देना 9 से इसके अंदर है, क्योंकि 1/10 ये वाला हिस्सा पानी से बाहर रहता है, बाकी 9/10 अर्थात 9 से पानी के अंदर रहते हैं। ये भी एक सीखने की बात है, ध्यान देने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें विलेय कोण है, अर्थात विलायक, तो जो घुलने वाला होता है विलेय, कौन घुला रहता है ये पूछ रहा है ना, क्वेश्चन को समझा करो ध्यान से, विलेय पूछ रहा है, विलेय सोल्यूबल, कौन उसमें घुला हुआ है ऐसा पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, क्या जल घुला हुआ है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, अर्थात घुलने वाला कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आप जानते हो जब उसको हिलाते हो तो गैस निकलकर बाहर आती है। क्या O2 होती है? नहीं, O2 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नमक भी नहीं, ये इसका जवाब है। नेक्स्ट देखो, पानी में नमक मिलाने पर, अगर पानी में नमक मिला दें तो क्या होगा, क्या उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, पानी में नमक मिला देते तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्या? अब आप बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने का जो है उनका टेम्प, अर्थात जैसे पानी मान लो 100 पे उबलता है तो नमक डालने से क्या फर्क पड़ेगा? इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात 100 से ऊपर हो जाता है। इसीलिए अगर दाल को पकाना है तो पानी में दाल डाल दी, अब उसमें थोड़ा नमक भी डाल देते हैं पहले ही, बाद में जब वो करेंगे तो बाद की बात है, लेकिन पहले ही उसमें नमक डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। अब 100 पे नहीं वो होगा, पानी उबलेगा यानी दाल का पानी उबलेगा नहीं अभी 100 पे, अब ज्यादा पे उबलेगा, तो ज्यादा तक जाएगा इतनी देर में वो हीट लेता ही रहेगा, उबलेगा नहीं, मतलब बाहर नहीं आएगा, तो दाल जल्दी पकती है, इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है। याद रखना, पानी में नमक मिलाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। तो एक तो ये होता है, क्या गलनांक कम हो जाता है? जी हाँ, गलनांक भी कम हो जाता है, गलनांक कम हो जाता है, इसीलिए कुल्फी जमाने वाले होते हैं ना, हिमांक भी कम हो जाता है, बिल्कुल, इसलिए कुल्फी जमाने वाले बर्फ के अंदर नमक मिलाते हैं ताकि वो एक तरह से हिमिश्रण बन जाता है और लंबे मतलब काफी ठंडा हो जाता है वो, है ना, वो मिश्रण काफी ठंडा हो जाता है और कुल्फी जल्दी जम जाती है। तो देखो, तीनों ही चीज होती है, पानी में नमक मिलाने से तीनों ही चीज होती है, क्वथनांक भी बढ़ता है, गलनांक कम होता है और हिमांक भी कम होता है, इसलिए इसका जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो, क्या होगा यदि बर्फ की सिल्ली पर तार डालकर दोनों तरफ भार लटका दे? देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहां पे ईंटे हैं, यहां पे भी ईंटे लगा दो और यहां पे एक बर्फ की सिल्ली रख दो, ठीक है ना, यहां पे क्या कर दो, एक बर्फ की सिल्ली रख दो, इस बर्फ की सिल्ली पर एक तार डालो, ये तार ऐसे डाल दो और इसके ऊपर भी एक भार लटका दो, इसके ऊपर भी एक भार लटका दो, दोनों तरफ इस सिल्ली के दोनों तरफ ऐसे तार डाल दिया और नीचे भार लटका दिया, तो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या होगा? पहला, सिल्ली के कई टुकड़े हो जाएंगे या फिर सिल्ली के दो ही टुकड़े होंगे, तार जैसे यहां बांध दिया तो तार यहां से बीच में से काट दिया और दो टुकड़े हो जाएंगे, क्या ऐसा होगा? या फिर तार आर पार हो जाएगा लेकिन टुकड़े नहीं होंगे, क्या ऐसा होगा? या फिर तार बीच में कहीं फंस जाएगा, क्या होगा इनमें से बताओ? देखो, तार आर पार हो जाएगा और बर्फ की सिल्ली ऐसे ही रखी रहेगी, समझ गए, अर्थात कुछ नहीं होगा बर्फ की सिल्ली के और तार आर पार निकल जाएगा, इसको चीरते हुए आर पार निकल जाएगा लेकिन बर्फ की सिल्ली को कुछ नहीं होगा, बर्फ की सिल्ली ऐसे एज इट इज रह जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है? देखो, यहां पे तार
डाल के और बाहर लटका दिया, तो बाहर लटका दिया तो दाब बढ़ गया इस तार पे, तार पर मतलब छिल्ली के ऊपर तार डालने से क्या हुआ है, देखो प्रेशर पड़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ने से इसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। जब गलनांक घट जाता है तो ये तार इसको चीरते हुए आगे चलता है, लेकिन तो फिर इसे दो टुकड़े कर देने चाहिए, नहीं, जैसे ही ये तार आगे बढ़ता रहता है पीछे से वापस ही, क्योंकि वो पिघल गया ना तार की वजह से, पानी यहाँ का पिघल गया था, पिघल कर तार तो आगे बढ़ गया, लेकिन ये जो पिघला हुआ पानी है ना दोनों तरफ बर्फ के बीच में है वो पानी, तो वो वापस जमता जाएगा, वो आगे तार आगे आगे जाता जाएगा और पीछे से जो पानी है वापस ही जमता जाएगा और तार पूरा आर पार निकल जाएगा और वो बर्फ वापस ऐसे किसे जुड़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी किसे रह जाएगी। ठीक है, ये इसका जवाब है। ठीक है बच्चों, अर्थात तार आर पार हो जाएगा लेकिन टुकड़े नहीं होंगे, इसका जवाब है सी, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें मीथेन एक मुख्य घटक है, मीथेन मतलब मेथेन गैस है ना, ये होती है CH4, मेथेन गैस होती है ना, ये जो CH4 गैस है इसमें मुख्य घटक किसमें, ये किसमें मुख्य रूप से रहती है, क्या बायोगैस में मुख्य रूप से रहती है या CNG में मुख्य रूप से रहती है या प्राकृतिक गैस में रहती है, ये तीनों में ही मुख्य रूप से मुख्य घटक यही है, अर्थात इन गैसों में मुख्य घटक यही है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए इसका जवाब है इनमें से, अर्थात इन सभी में, ठीक है ना, ये इन सभी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा आउट हुआ है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, पर मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो जवाब, पहला, क्या 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं। क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सी, या फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बताओ इनमें से कौन सा होगा, डी भी नहीं, तो 100 डिग्री क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, बताया था मैंने बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात इतने पर जल उबलता है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है, वाष्पीकरण की गति निर्भर करती है, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन वाष्प बन के उठता है ना, वो किस पर निर्भर करता है, बताया था मैंने पीछे समझाया था, क्षेत्रफल पर, अर्थात जैसे कपड़े को सुखाना हो तो उसको फैला के सुखाओ, फैलाने से क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसमें वाष्पीकरण की दर तेजी से होगी, वाष्पीकरण जल्दी से होगा पानी और वो जल्दी सूख जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल। दूसरा, क्या तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, अगर गर्मी है तो जल्दी सूखेंगे कपड़े, इसलिए तापमान पर भी निर्भर करता है वाष्पीकरण। अगला, वायु की गति पर निर्भर करता है, बिल्कुल, अगर वायु चल रही है, हवा चल रही है तो जल्दी सूखते हैं कपड़े, इसलिए वायु की गति पर भी निर्भर करता है, इसका मतलब इसका जवाब क्या है, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विलयन के संबंध में कौन सा एक असत्य है, असत्य पूछ रहा है ना, असत्य का पता लगाना है कि विलयन के संबंध में कौन सा असत्य है, तो पहला देखो, विलयन समांगी मिश्रण है क्या, बिल्कुल है, अर्थात जैसे पानी में चीनी घोल दी है तो वो समांग रूप से घुल जाती है, उसकी मिठास सब जगह बराबर रहती है, इसलिए यह एक समांगी मिश्रण है, ये तो सत्य है। दूसरा देखो, क्या ये स्थायी विलयन है, बिल्कुल ये विलयन स्थायी होता है, ऐसा नहीं कि चीनी घोल दी तो 1-2 घंटे बाद में चीनी पहनने में बैठ जाएगी या दाने नजर आ जाएंगे, नहीं, घुल गई मतलब घुल गई, नमक घोल दिया मतलब घुल गया, तो ये स्थायी विलयन होता है, बिल्कुल सही बात है, और हमें देखना है असत्य। अगला, क्या इसके कण इनका आकार जो है, इन कणों का व्यास है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, हाँ बिल्कुल, बहुत छोटे होते हैं, और इनको नग्न आंखों से, नम्न नहीं है, नग्न है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये भी सही है, तो ये तीन तो हो सत्य। तो फिर असत्य देखो ध्यान से, विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, ये बात क्या है, असत्य क्या है, ये ऐसे कह रहा है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, ये असत्य है, क्योंकि विलयन में प्रकाश का मार्ग क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, जबकि ये कह रहा है कि दिखाई देता है, नहीं देते है। देखो प्रकाश का मार्ग बताया था कल मैंने, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव विलयन नहीं दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, एक तो कोलोइड दर्शाता है और एक निक्षेपण दर्शाता है ना, दो व्यवस्थाएं क्या करती है, टिंडल प्रभाव दिखाती है, कोलोइड और निक्षेपण, विलयन प्रकाश के मार्ग नहीं दिखाता, अर्थात ये कणों को प्रकीर्णित नहीं करता है। नेक्स्ट है घनत्व, डेंसिटी मैंने पीछे बताया था घनत्व को, कि द्रव्यमान बटे आयतन, किसी भी पदार्थ का
जो भी द्रव्यमान हो उसमें आयतन का भाग दे दो, उसके द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दो, क्या आ जाएगी उसकी डेंसिटी आ जाएगी, उसका घनत्व आ जाएगा। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, घनत्व का मात्रक अर्थात यूनिट क्या है, यह है के जी पर मीटर क्यूब, या फिर क्यूब है के जी पर मीटर क्यूब। ये क्यों आया, ऐसे मात्रक क्यों है, देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या है के जी, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं के जी में, किलोग्राम में, और बटे आयतन, आयतन को किसमें मापते हैं, इसको बोलते हैं घन मीटर बोल दो या मीटर क्यूब बोल दो। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हुआ। नेक्स्ट देखो, किसके कणों को फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, किसके कणों को कर सकते हैं अलग, क्या विलयन के कणों को अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, नहीं कर सकते। कोलोइड के कणों को अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं, पूछ रहा है किसको कर सकते, इसके कणों को अलग कर सकते हैं। मैंने बताया था निक्षेपण के कण क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, उनको फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है, अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक कोलोइड के संबंध में असत्य है, कोलोइड के संबंध में कौन सी बात असत्य है इनमें से, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये तो सत्य है, कोलोइड है वो विषमांगी मिश्रण होता है, समांगी नहीं होता है। अगला, क्या ये स्थायी होता है, हाँ ये भी सत्य है बात, स्थायी होता है। हमें ढूंढनी है असत्य बात कौन सी है। अगला, ये टिंडल प्रभाव को दिखाता है क्या, हाँ ये दिखाता है, तो इसका मतलब तीनों बात ही सत्य है, तो इसका जवाब हुआ इनमें से कोई नहीं है असत्य बात, समझ गए, इनमें से कोई सी भी असत्य बात नहीं है, सारी सारी ही कोलोइड के मामले में, कोलोइड के बारे में सत्य है, सही बातें हैं, इसलिए इसका जवाब क्या हुआ डी, इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, इनमें से कौन सी गैस होती है, कहने का मतलब क्या मैथेन होती है, एथेन होती है, या अमोनिया होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मैथेन CH4, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, मुख्य घटक बायोगैस में भी ये होती है, गोबर गैस में होती है, सीएनजी में भी ये होती है, मेथेन गैस CH4। अब केंद्रण, द्रण है ये केंद्रण, अब केंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, रक्त और मूत्र की जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को सुखाने में, मैंने बताया था। अब केंद्रण विधि क्या होती है, अब केंद्रण विधि मैंने बताया था, अब केंद्रीय बल लगता है इसके अंदर किसी चीज को, जैसे कपड़े को ऐसे घुमाते हैं या ऐसे चलाते हैं तो पानी छिटक कर दूर चला जाता है ना, अब केंद्रीय बल लगता है, बाहर की तरफ बल लगता है, उससे अलग किया जाता है, तो ये आप केंद्रण विधि कहलाती है, ठीक है। तो इस कपड़े धोने की मशीन में भी इस विधि का यूज होता है, रक्त और मूत्र की जांच में भी इसका यूज होता है, और क्रीम से मक्खन निकालना अर्थात घी निकालना, मथना, मथकर जो क्रीम निकल जाती है या घी निकाला जाता है वो भी इसी से होता है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ जवाब सभी, ये सभी के सभी अपकेंद्रण विधि के ही प्रयोग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन का अर्थात पायस का उदाहरण कौन सा है, दूध, ठीक है ना, जबकि ये जो मक्खन है कुआसा है ये नहीं है, ठीक है ना, कुआसा जो होता है ये गैस के अंदर वो है, और ये दूध क्या होता है, द्रव के अंदर तेल की बूंदे यानी कि चिकनाई की बूंदे, तो ये इमल्सन इसी का उदाहरण दूध, इसका जवाब है दूध। नेक्स्ट देखो, एरोसोल का उदाहरण कौन सा है, एरोसोल अर्थात एयर के अंदर द्रव की बूंदे, अर्थात गैस के अंदर द्रव की बूंदे, इसका उदाहरण, ऐसा उदाहरण कौन सा है, बादल। इसमें क्या होता है, देखो एरोसोल बनता है अर्थात एयर में, अर्थात गैस में जल, गैस में क्या है ये जल घुला हुआ है, जल की बूंदे तैर रही है, मतलब यही बादल होता है। धुआं में क्या होता है, गैस में ठोस, ठोस के कण, यानी कि धुआं जो होता है वो ठोस के कण होते हैं, तो एरोसोल का उदाहरण क्या है, बादल, और दूध तो पायस बताया है तभी इमल्सन, और ये तो विलयन है। नेक्स्ट, दूध से जो क्रीम या क्रीम से मक्खन किस विधि से निकाला जाता है, अभी अभी बताया पीछे, अपकेंद्रण बल, केंद्रण, अपकेंद्रण बल विधि से, अपकेंद्रीय विधि से निकाला जाता है, वाष्पीकरण से नहीं, ऊर्ध्वपातन से नहीं, ऊर्ध्वपातन जानते ही हो, गर्म करते हैं तो द्रव में बदले बिना सीधे गैस में चला जाए, या फिर छान कर भी नहीं। देखो, निम्नलिखित में से किसे, इनमें से किसे सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहा जाता है, ऐसा कौन है जो हर किसी को जल्दी से घोल ले, या कोई हर कोई घुल जाता है,
तो जल ऐसी चीज है जो बहुत सी चीजों का क्या है, विलायक होता है। तो पूरे यूनिवर्सल, एक तरह से यूनिवर्सल विलायक कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। तो वो जल होता है, कौन? जल। एथेनॉल नहीं, बेंजीन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, जल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले बनने का कारण बताओ। साबुन के जो बुलबुले बनते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, है ना, तो उसका कारण क्या है? देखो, जल का पृष्ठ तनाव बताया था मैंने, ज्यादा होता है। लेकिन अगर उसमें साबुन घोल दें जल में और फिर उसके बुलबुले बनाए जाए तो वो फूल जाता है, वो फटता नहीं है जल्दी से, मतलब बड़ा हो जाता है फिर भी नहीं फटता। तो उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन घोलने से क्या हो जाता है? पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वो फूल जाता है। तो पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण, तनाव मतलब खिंचाव, जल्दी से खींच के रखेगा तो फट जाएगा, इसलिए साबुन मिला देने से पृष्ठ तनाव कम हो गया और वो फूल जाता है, अर्थात बुलबुले बढ़ जाते हैं। ये इसका जवाब है, न कि पृष्ठ तनाव अधिक होना या फिर घनत्व अधिक होना, इससे कोई लेना देना नहीं है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट, अत्यधिक ठंडी बोतल, जैसे मान लो ठंडी बोतल है या फिर बहुत ठंडा पानी किसी गिलास में ठंडा पानी, फिर इनमें से बिल्कुल चिल्ड पानी, ठंडा पानी निकाल कर गिलास में भर दे, तो उस गिलास के चारों ओर जल की बूंदे जमा हो जाती है, या एक ठंडी पानी की बोतल है उसके चारों ओर जल की बूंदे आ जाती है, बैठी रहती है, दिखती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों वो जल की बूंदे जमा होती है? उसका कारण क्या है? क्या वाष्पीकरण है? नहीं, वाष्पीकरण में तो जल भाप बन के उड़ता है, ये घटना नहीं है। तो क्या संघनन है? कंडेंसेशन है, बिल्कुल यही है संघनन। संघनन में बताया था मैंने कि क्या हो जाती है, वाष्प जो है संघनित होकर द्रव में बदल जाती है, अर्थात वायुमंडल में आसपास, अपने आसपास जल वाष्प घूम रही है ना, पानी की मात्रा भाप के रूप में घूम रही है। तो ये बहुत ज्यादा ठंडा है वो बोतल या वो गिलास, तो इसके आसपास से जब वो भाप गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी और यहां पर जम जाएगी, बूंदों के रूप में आ जाएगी। तो संघनन कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से होता है, न कि विस्तरण की वजह। विस्तरण भी बताया था मैंने, चलकर जो कण दूसरी जगह जाते हैं उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वास्तविक विलयन कहते हैं? वास्तविक विलयन कौन सा कहलाता है? चीनी में पानी का घोल वास्तविक विलयन है, ठीक है ना, यह है वास्तविक विलयन। कोलोइड तो वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें तो कण धीरे धीरे बैठ जाते हैं पैनी में, ठीक है ना, निलंबन में तो बिल्कुल बैठ जाते हैं। इसका उदाहरण मैंने बताया था, जैसे मान लो आपकी मम्मी ने अभी अभी कमरे में झाड़ू निकाला है तो डस्ट धूल के कण उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, और थोड़ी देर बाद में वो बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे या दीवार पे बैठ जाएंगे। तो वास्तविक विलयन कौन सा हुआ? चीनी और पानी का घोल, या नमक और पानी का घोल, लेकिन यहाँ पे ये है, तो इसका जवाब ये है। नेक्स्ट देखो, गुब्बारा ऊपर जाकर फट क्यों जाता है? गुब्बारे को फुलाओ और तो यहाँ तो आराम से रह लेगा, अब वो अगर ऊपर चला गया है तो वहां जाके फट जाएगा। क्या कारण है? क्या तापमान में कमी हो गई? नहीं, ऊपर जाते हैं तो तापमान तो बढ़ता है, ये भी कारण नहीं है। तो क्या तापमान में वृद्धि हुई है ना, वो सॉरी तापमान में कमी हुई, तो कमी तो होती है, लेकिन तो कमी होता है तो अच्छी बात है ना, तापमान में कमी हुई तो ठंडाई तो कर रहा है, इसलिए पर का कारण ये नहीं है, ठीक है। तापमान में वृद्धि, हाँ ऊपर अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है तो तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है, लेकिन उसका भी प्रभाव इतना अभी नहीं है। तो फिर ये ऊपर जाकर फट क्यों गया? दाब में कमी, वायुमंडलीय दाब, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ना, वहां ऊपर धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, उसका क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि एटमोस्फेरिक प्रेशर तो कम हो गया, बाहर का दाब कम हो गया, और गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी हुई है उसका दाब ज्यादा हो गया, तो अंदर से दबाव बढ़ेगा, बाहर से दबाव कम रहा, अंदर से दबाव बढ़ेगा तो फट जाएगा, ये इसका रीजन है, अर्थात ए। नेक्स्ट देखो, पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। अवस्था ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्थाएं हैं, बताया था मैंने, पदार्थ या द्रव्य कह दो, इसकी अवस्थाएं बदली जा सकती है क्या? और बदली जा सकती है तो किस किस तरीके से? क्या ताप में परिवर्तन करके बदली जा सकती है? हाँ बदली जा सकती है, टेम्परेचर कम कर दो, जैसे पानी है, पानी का मान लो अभी कमरे में रूम टेम्परेचर 25 है, उसका कम कर दो, 0 कर दो या -1 कर दो, जम जाएगा, अवस्था बदल गई, ठोस हो गया। या पानी को गर्म कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो गैस बढ़ जाएगा। ताप में परिवर्तन करके अवस्था बदली जा सकती है, हाँ दाब में परिवर्तन करके भी बदली जा सकती है, इसका मतलब जवाब क्या हुआ सही? दोनों के द्वारा बदली जा सकती है, ठीक है ना, इसका जवाब सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है कि पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है, तुरंत देख लिया कि हाँ ताप परिवर्तन पड़ा था कहीं, तो यही जवाब हुआ, नहीं,
ये भी जवाब है और बी भी जवाब है, दोनों ही है, इसलिए इसका सही जवाब क्या है, दोनों के द्वारा ताप में परिवर्तन करके भी अवस्था बदल सकते हैं और दाब में परिवर्तन करके भी बदल सकते हैं, है ना। इसलिए दोनों जवाब हो गए, इसका सही जवाब हुआ सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, और तो सब शुद्ध है, एक नहीं है, कौन नहीं है। देखो ध्यान से, बर्फ क्या शुद्ध पदार्थ है? हाँ, क्योंकि बर्फ क्या है, बर्फ में कुछ नहीं है, बस H2O है। क्या है? H2O, जल के अणु है, इसलिए जल के अणु है। अतः जल क्या है? एक यौगिक है। हर यौगिक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। मैंने बताया ना, तत्व और यौगिक दोनों क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। इसलिए बर्फ तो H2O, जल ही तो है। लोहा, लोहा अपने आप में Fe हुआ, लोहा, ये भी एक तत्व है, तो ये भी शुद्ध होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक कंपाउंड है, यौगिक है, तो ये भी शुद्ध हुआ। वायु, वायु क्या है? वायु एक न कोई तत्व है न कोई यौगिक है, तो फिर क्या है? एक मिक्सर है, एक मिश्रण है, इसलिए वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। अर्थात यह है कि क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। तो इसका जवाब हुआ डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है संपीड्यता अर्थात कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? अर्थात जिनको दबाया जा सके आराम से, हालांकि शायद ये पीछे भी आ चुका। तो कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता किसमें ज्यादा होती है? गैसों में सबसे ज्यादा, गैसों को दबाया जा सकता है, कंप्रेसिड किया जा सकता है। तो इसका जवाब सी। नेक्स्ट देखो, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है वो कहलाता है तत्व। बताया था मैंने, एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं तत्व। नेक्स्ट, हाँ इसको देखो, जैसे यौगिक, यौगिक में तो दो या दो से अधिक प्रकार के होते हैं, और मिश्रण, मिश्रण में तो और भी अधिक प्रकार के होते हैं। तो एक ही प्रकार के तत्वों का समूह, परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? और तो सब यौगिक है, एक ही नहीं है, कौन नहीं है? चेक करो, जल, जल तो H2O होता है, तो ये तो एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक तत्वों से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी CO2, ये भी दो तत्वों से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है जल। और मेथेन, मेथेन में देखो CH4, बताया था मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्वों से बना है ये भी। तो ये तो सब क्या हुए? यौगिक। और डायमंड, हीरा, हीरा क्या है? हीरा एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक कार्बन का ही रूप है, अर्थात कार्बन ही है, सी कार्बन। तो ये केवल अकेला तत्व है ना, अकेला है, सी है, कार्बन ही है, डायमंड में कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन होता है, कुछ नहीं। तो एक ही प्रकार का परमाणु यानी कि तत्व ही है केवल, तो ये क्या नहीं है? यौगिक नहीं है, और तो तीनों यौगिक है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? डायमंड, हीरा। नेक्स्ट देखो, ऐसा ही पद्धति में आयतन का मात्रक बताओ, अभी पीछे भी बताया था। अच्छा, आयतन का मात्रक देखो, आयतन को मापते हैं वैसे लीटर में देखते हैं, जैसे दूध मान लो, पानी मान लो, तो लीटर की इतने लीटर दूध या इतने लीटर पानी, जबकि लीटर जो है वो ऐसा ही मात्रक नहीं है इसका, इसको मापने का जो ऐसा ही मात्रक है वो घन मीटर, घन मीटर मतलब पीछे बताया मैंने मीटर क्यूब। घन मीटर एक्चुअल में क्या होता है? देखो ध्यान से, घन मीटर होता है एक मीटर का घन, एक मीटर का क्या? घन, घन मीटर अर्थात एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा और एक ही मीटर ऊंचा। तो अब इसके अंदर कोई आयतन, कोई चीज डाली जा सकती है, इसका वॉल्यूम देखा जा सकता है, इसलिए इसका मात्रक है मीटर क्यूब, है ना। घन क्यूब का मतलब होता है एक, जैसे मीटर का क्यूब बना लो, एक घन बना लो, क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं, तो ये इस वजह से याद रखना। ऐसे समझो जैसे आयतन की बात करें ना, वॉल्यूम, तो जैसे एक तो होता है क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई जैसे एक कागज ले लो, है ना, या कोई ऐसे फ्लैट चीज ले लो जिसकी लंबाई चौड़ाई है, तो क्या इसमें पानी लिया जा सकता है, पानी भरा जा सकता है इसमें? नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज है, ये तो क्षेत्रफल के लिए होता है, लेकिन अगर लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है, और फिर इसमें कोई चीज डाली जाए, जैसे ये घन बन गया, अब इसमें कोई चीज इसमें डाला जा सकता है, इसमें आयतन मापा जा सकता है। इसलिए देखो, मीटर लंबाई के लिए, मीटर ही चौड़ाई के लिए, और मीटर ही ऊंचाई के लिए, इसलिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसलिए मीटर क्यूब, घन मीटर। इसलिए याद रखना, आयतन के लिए इसका आयतन क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब।
ऐसे ही क्षेत्रफल के लिए अगर देखें तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल में दो ही चीज चाहिए, लंबाई या चौड़ाई, लंबाई या चौड़ाई। तो इसके लिए मात्र क्या मीटर, और इसके लिए भी क्या मीटर, दोनों का गुणनफल मीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है, और लंबाई का मात्रक लंबाई में स्ट्रिप, बस एक ही चीज है जैसे इधर से इधर माप लो बस मीटर। इसलिए लंबाई का मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर इंटू मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर, और आयतन का मात्रक मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कोई चीज डालने के लिए उसमें पानी या तरल भरने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी चाहिए, इसलिए तीनों को गुणा कर दो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब, इसका आयतन ऐसा ही मात्रक हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट खाद्य तेलों को वनस्पति घी में, देखो वनस्पति घी का नाम सुना होगा, वनस्पति घी मतलब गाय भैंस इनके दूध से घी तैयार किया गया, वो घी नहीं, वनस्पति वनस्पतियों से तैयार किया जाता है अर्थात वनस्पतियों से तो तेल प्राप्त किया जाता है, तो वनस्पति घी क्या होता है, वनस्पतियों से जो तेल प्राप्त किया जाता है उसी से घी बना देते हैं, उसी को घी बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करके अर्थात उसमें से हाइड्रोजन प्रोवाइड करके, उसको गर्म करके और हाइड्रोजन प्रोवाइड की जाती है हाइड्रोजन गैस, और वो तेल है वो घी में बदल जाता है, अर्थात एक्चुअल में क्या है वो तेल ही है जिसको बदल दिया घी में। अब वो कोई अच्छी चीज नहीं बन गई, वो जो तेल था उससे भी घटिया चीज बन गई, ऐसे याद रखो। और डालडा एक कंपनी का नाम है सर, और डालडे के नाम से ही जानते हैं लोग, जबकि डालडा तो कंपनी का नाम है, और इसको कहते हैं वनस्पति घी। तो वो जो डालडा कहो या वनस्पति घी कहो, वो वनस्पतियों के तेल से, चाहे वो सरसों चाहे तिल्ली का तेल हो गाय का भी हो, है ना, इनके तेलों को क्या कर देते हैं, हाइड्रोजनीकरण करके घी में बदल देते हैं, अर्थात घी जैसा दिखता है, बाकी कोई काम की चीज होती नहीं है, नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनीकरण से होता है। एक विलयन होता है, यानी कि विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है क्या, हाँ समांगी मिश्रण होता है। क्या ये समांगी मिश्रण होता है, नहीं ये विषमांगी मिश्रण नहीं होता, ठीक है ना। ये नशीली तरल होता है, नहीं ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, यानी कि ए, इसका जवाब क्या है ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप क्या है, यहां पे देखो मिस प्रिंट हुआ है कुछ, या तो है ही नहीं, तो यहां लिख लो 30.98 और यहां लिख दो कुछ भी 45 मान लो। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप बताओ, -119 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ ये है, और नहीं ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड क्रांतिक ताप, अच्छा क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बताया था मैंने, देखो इसी को देख लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप क्या है बताया था, गैसों को संपीड़ित करके दबा के क्या कर देते हैं, द्रव में बदल देते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर ऐसा है, अगर 30.98 की जगह अगर 31 डिग्री कर दिया, या फिर सिर्फ इतना ही देख लो आप कि 30.98 के बजाय 30.99 इतना सा ही बढ़ा दिया, अब इसको कंप्रेसित करके द्रव में नहीं बदला जा सकता, चाहे कितना ही प्रेशर लगा लो, दाब लगा लो, यही कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। किसी गैस को उसके क्रांतिक ताप से अगर ज्यादा ताप है तो उस फिर उसको कितना ही दबा लो, कितना ही कंप्रेसित कर लो, वो द्रव अवस्था में नहीं आएगी, नहीं बदलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस अनुप्रयोग से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें जो कार्बन के कण होते हैं उनको अलग किया जाता है, किस अनुप्रयोग से, बताया था मैंने पीछे, कोलॉइड से, है ना, कोलॉइड से, अर्थात वो जो कार्बन के कण है कोलॉइड विधि से उनको, मैंने बताया था चिमनियों के ऊपर क्या रहता है, चिमनियों से जो धुआं निकल कर जाता है ना, फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट धुआं निकलता है, उस धुएं में से कार्बन के कणों को, है ना, धुएं में से कार्बन के कणों को अवशोषित कर लिया जाता है, तो ये कोलॉइड व्यवस्था से ऐसा होता है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस, ड्राई आइस शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जवाब है ए, ये ठोस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ये नहीं है, ठोस नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए ठोस CO2, ठोस रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसी को
शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, समांगी मिश्रण का उदाहरण बताओ। समांगी बताया मैंने, समांगी समान रूप से सब जगह ढंग से सब मिला हुआ, पूरी तरह से घुला हुआ, ऐसा मिश्रण बताओ कौन सा है इसमें। नदी का पानी है क्या ऐसा? नहीं, नदी के पानी में तो नीचे तली में ज्यादा कचरा, ऊपर कम घुला हुआ ऐसा रहता है, इसलिए नहीं है। तो क्या पानी में आटा गोल दो ऐसा? ये भी नहीं है। तो क्या टिंचर आयोडीन? हाँ जी यस, यही है। टिंचर आयोडीन, आयोडीन क्या होता है बताया मैंने, एल्कोहल में आयोडीन घोल देते हैं, एल्कोहल C2H5OH, इसमें क्या क्या घोल देते हैं? आयोडीन। इस आयोडीन को इसमें घोल दिया जाता है तो ये बन जाता है टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन ही अपने क्या है, एक समांगी मिश्रण, समान रूप से मिला हुआ, बादाम से नहीं, इसके अंदर बादाम के टुकड़े के समान रूप से नहीं घुले रहते हैं, पैंदी में बैठ जाते हैं, तो ये सब नहीं है, टिंचर आयोडीन इसका जवाब है। नेक्स्ट देखो, स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है क्या? किस विधि से कर सकते हैं? स्याही होती है ना स्याही, तो उसमें पानी घुला रहता है, तो उसमें जो रंग वाला भाग है ना, डाई वाला जो भाग है, उसको क्या किस तरीके से अलग कर सकते हैं? यह है क्वेश्चन। छान के नहीं कर सकते, उबाल कर नहीं, वाष्पीकरण से, ठीक है ना, वाष्पीकरण से कर सकते हैं। तो ये इसका जवाब हुआ। नेक्स्ट, जब जल का तापमान, यहां ध्यान से देखो समझो, जब जल का तापमान 0 से 10 डिग्री करते हैं, अभी जल का तापमान मान लो 0 है, यानी कि बर्फ के समान ठंडा, बहुत ठंडा पानी है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो 0 से करके 10 डिग्री तक बढ़ाते गए, 0 से धीरे धीरे गर्म करते 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 10 डिग्री तक ले जा रहे हैं इसको, पहले 0 था, अब इसको बढ़ाते 0 से 1 किया 2 किया 3 किया 4 5 6 7 8 9 10 डिग्री तक इसको बढ़ाया, तो जल के आयतन में क्या हुआ? जल का आयतन बढ़ाया घटा? इसके ऑप्शन चले गए कहीं पे, तो चलो मैं बता देता हूं। तो जब ये करते हैं इसको 0 से 10 की तरफ ले जाते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाते हुए, तो क्या होता है? तो बताओ आप, यही देख लो कि क्या जल का आयतन बढ़ेगा। एक तो इसका ऑप्शन है क्या ये बढ़ेगा आयतन, दूसरा ऑप्शन है बी या ये ए, और बी ऑप्शन है क्या ये घटेगा, क्या आयतन, क्या इसका आयतन घटेगा, या फिर सी ऑप्शन है वही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, या फिर चौथा ऑप्शन है या डी ऑप्शन है क्या, ध्यान से देखो, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या ऐसा है, या फिर नीचे रह गया तो थोड़ा सा ऐसे लिख पा रहा हूं, तो देखो ध्यान से, बढ़ेगा इसका आयतन नहीं, कि सिर्फ बढ़ी जाएगा, 0 से 10 तक ले गए तो बढ़ ही गया, ऐसा नहीं है, क्या फिर घट ही जाएगा, नहीं वही रहेगा, नहीं वही भी नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, पहले तो घटेगा आयतन और फिर क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था बर्फ का आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है, बर्फ का आयतन, बर्फ ज्यादा जगह घेरती है, अर्थात 0 डिग्री मतलब लगभग बर्फ ही है, तो जब इसका टेम्परेचर 0 से आगे बढ़ाते हैं तो पहले तो आयतन क्या होगा, कम होगा, तो देखो 0 से लेकर 4 डिग्री तक तो जल का आयतन यानी कि बर्फ का आयतन का हो या जल का आयतन का हो घटता है, और 4 डिग्री से जैसे आगे चलते हैं 5 डिग्री पे 6 डिग्री पे 7 डिग्री पे 8 डिग्री पे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसका आयतन फिर आगे क्या होता है, बढ़ता है, तो पहले तो आयतन घटेगा और फिर बढ़ेगा, देखो इसका ग्राफ ऐसे, पहले घटा और फिर बड़ा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से पदार्थ नहीं है, चेक करो, मैंने पहले बताया था, समझो देखें, याद करो, स्टार्टिंग में बताया कि पदार्थ क्या होता है, बताया था मैंने कि ब्रह्मांड में सब चीजें जिनमें भार होता है और वो स्थान घेरती है, सब पदार्थ कहलाती का था, याद करो, तो क्या लकड़ी पदार्थ है? बिल्कुल है। क्या हवा पदार्थ है? बिल्कुल है। क्या एक पौधा पदार्थ है? हाँ है। बताया था कोई भी चीज कुछ भी इस ब्रह्मांड में जिनमें क्या होनी चाहिए, भार, वजन होना चाहिए, भार होना चाहिए और वो स्थान घेरना चाहिए, तो पौधा भी है, तो सब ये पदार्थ है, तो क्या ऊर्जा? ऊर्जा पदार्थ नहीं है, यही जवाब है। ठीक है बच्चों, तो बस आज यही, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और है, वो आपको हमारी काबिल इंडिया ऐप में जाके टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, वहां पे टेस्ट भी दो, उनको समझो
और उनका जवाब दो, ठीक है। और उनको कैसे ओपन करना है, कैसे टेस्ट देना है, अगर समस्या आ रही हो तो कमेंट में बताना, हम हेल्प करेंगे, बताएंगे आपको, है ना। कविल इंडिया ऐप डाउनलोड की, डाउनलोड किया, फिर उसमें इधर थ्री डॉट है ना, और होम के अंदर, और फिर वहां पे लिखा हुआ है फ्री टेस्ट, है ना, तो वहां जाके क्लिक करना और वहां पे वन बाय वन क्वेश्चन आते जाएंगे, आप उनके जवाब देते जाना, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास अब लूंगा मैं फिजिक्स की, ठीक है बच्चों। ओके, आप इसको सब्सक्राइब कर ले, बार बार कहूंगा, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।